नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो आपका बिहार शिक्षक के दूसरे चरण का भर्ती आया है 70,000 प्लस पोस्ट पर, उसके बारे में कि मात्र आपके पास 30 दिन समय बचा है। आखिर इस 30 दिन में कैसे तैयारी करें, क्या हमें ऑनलाइन की ज़्यादा सहारा लेना चाहिए कि सेल्फ स्टडी का सहारा लेना चाहिए, तथा नए पैटर्न पर कैसे तैयारी करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार शिक्षक से संबंधित किसी भी तरह का गाइडलाइन आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ इस चैनल पर बताया जाएगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लिखा है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 2, ठीक, दूसरा चरण है। इसमें 70,000 पोस्ट पे आपका भर्ती आया है। कौन कौन सा पोस्ट है, 6 to 8 है, 9 to 10 है, उसके बाद 11 to 12 में आया है, ठीक, ये भर्ती आया है। पहले जो आपका पैटर्न था उसमें क्या होता था कि भाषा का आपका 100 प्रश्न पूछा जाता था, ठीक, लेकिन इस बार क्या किया, उसमें 2 पेपर 2 दिन लेता था BPSC, लेकिन इस बार एक ही दिन आपका पेपर होगा, एक दिन पेपर होगा जिसमें 30 पेपर आपका भाषा से पूछा जाएगा, यानी 30 प्रश्न जो रहेगा उसमें आपका 8 प्रश्न जो है वो इंग्लिश का रहेगा और 22 प्रश्न जो आपका रहेगा वो आपका लैंग्वेज से रहेगा, या आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी रहेगा, बंगाली लिए हैं तो बंगाली रहेगा, संस्कृत लिए होंगे तो संस्कृत रहेगा। दूसरा आपका है सामाजिक अध्ययन, यानी समान अध्ययन, समान अध्ययन से आपका 40 प्रश्न रहेगा, और तीसरा है आपका विषय, यानी जो विषय है वहाँ से आपका 80 प्रश्न रहेगा। इसके लिए किरण पब्लिकेशन के तरफ से आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मतलब 4 जो आपका नवंबर को बिहार शिक्षा का भर्ती आया उसमें जो चेंजिंग लाया गया सिलेबस में, उसी पर ये बुक आधारित है। इसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न दिया गया है। पहले आपका भाषा का प्रश्न 8 इंग्लिश, 22 ठो हिंदी प्रश्न दिया गया है, उसके बाद समान अध्ययन का 40 प्रश्न तथा आपका जो विषय है उसका 80 प्रश्न दिया गया है। 6 to 8 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का आपके सामने स्क्रीन पर बुक दिखाई दे रहा है, ऐसा बुक ले लेना है और ऐसे ही बुक से पहला काम प्रैक्टिस करते चलना है। दूसरा है कि NCERT और SCERT पैटर्न को कैसे पढ़ें। देखिए 30 दिन समय है, समय कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको सोच समझ कर पढ़ना है। ऑनलाइन समय एकदम कम दे देना है, एकदम सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे देना है। भाषा का किसी भी तरह को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाषा आप 1 से 2 दिन भी देख लेते हैं, केवल सेट में भी बना लेते हैं, वहाँ से आप भाषा के 30% लाना है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इजिली रूप से क्वालिफाई कर जाइएगा। दूसरा रहा आपका NCERT और SCERT का क्वेश्चन लाए तो कहाँ से लाए, उसके लिए आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पब्लिकेशन का NCERT का सार संग्रह ले लीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये दिखाई दे रहा है किरण पब्लिकेशन का NCERT का सार संग्रह, ऐसे करके आप किसी का भी सार संग्रह जो सब्जेक्ट आपका हो, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का ले लीजिएगा और उसे 1, 2 से 3 बार पढ़ जाने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा पेज में नहीं होगा, कोई भी NCERT का सार संग्रह लीजिएगा तो वो आपका 150 पेज में लगभग रहेगा, मिल जाएगा। 150 पेज को ऐसे कोशिश करना है कि 2 से 3 बार हर हाल में पढ़ जाना है, और 2 से 3 बार पढ़ जाइएगा और सेट प्रैक्टिस लगकर लगाते रहिएगा, आपका सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी तरह का ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, चुपचाप सेल्फ स्टडी, NCERT बुक, सेट प्रैक्टिस के लिए बुक, ये 2 बुक को ही पालन करना है। इससे ज़्यादा बुक आपको फॉलो नहीं करना है, ज़्यादा बुक पढ़िएगा तभी रिजल्ट नहीं होगा, ज्यादा समय ऑनलाइन बिताइएगा तभी रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो है आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही अच्छा स्कोर मिलेगा। अगर किसी भी तरह का और प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।